राशि, स्वागत है आपका धर्म खबरी में। आज हम आपको बताएंगे गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव मणिकरण साहिब के बारे में। इस गुरुद्वारे की बड़ी मान्यता है, यहाँ लोग दूर दराज से घूमने और मत्था टेकने आते हैं। मनाली की ठंडी वादियों के बीच मणिकरण के गर्म कुंड की खूब चर्चाएं हैं और आइए बताते हैं कि इन सभी की क्या मान्यता है और ये किसके लिए चर्चित है। मणिकरण जिसे दो धर्मों का एक तीर्थ स्थल माना जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। मनाली के पास सबसे प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थलों में से एक मणिकरण गुरुद्वारा पार्वती नदी के किनारे पाए जाने वाले सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि मणिकरण गुरुद्वारा साहिब का स्थान गुरु नानक देव जी का सटीक ध्यान बिंदु है। गुरुद्वारे की पवित्रता इतनी अधिक है कि तीर्थयात्री ये मानते हैं कि इस पवित्र तीर्थ स्थान पर जाने के बाद भारत के अन्य आध्यात्मिक स्थानों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही केवल सिखों के लिए एक सम्मानित स्थान मणिकरण, हिंदुओं के लिए भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसिद्ध गुरुद्वारे के वातावरण में तीन गर्म पानी के झरने हैं जो अनिवार्य रूप से पवित्र स्नान घाटों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उनमें से एक मणिकरण गुरुद्वारे के नीचे, अन्य दो उसके आसपास पाए जाते हैं। कथाओं का कहना है कि ये गर्म पानी के झरने शेषनाग के प्रयास के कारण निकले, जब भगवान शिव देवी पार्वती के खोए हुए गहना की तलाश कर रहे थे। भगवान शिव के क्रोध से बचने के प्रयास में शेषनाग ने कीमती पत्थरों को पृथ्वी से फेंका, जो इन गर्म पानी के झरनों के प्रकोप में समाप्त हो गया। ऐसी पौराणिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए मणिकरण गुरुद्वारा मनाली के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कैसे पहुंचे मणिकरण? मणिकरण का प्रमुख रेलवे स्टेशन पठानकोट में है, जो कि 300 किलोमीटर दूर है। कोई भी पर्यटक कुल्लू या मनाली दोनों में से मणिकरण की यात्रा कर सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए पर्यटक टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मणिकरण स्थानीय राज्य बसों के माध्यम से भूंतर से जुड़ा हुआ है। भूंतर शिमला, पठानकोट, चंडीगढ़ और नई दिल्ली जैसे आसपास के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी अच्छी तरह सड़कों के माध्यम से जुड़ा है। इसके साथ ही आसपास के सभी क्षेत्रों से टैक्सियां भी आसानी से उपलब्ध हैं। मणिकरण में खाने के लिए बहुत ज्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र में मंदिरों और गुरुद्वारों के द्वारा आयोजित लंगर पर भी भोजन कर सकते हैं। यहाँ के लंगर में भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ हाइजीनिक भी होता है। मणिकरण शहर हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से लगभग 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का मौसम 10 डिग्री के औसत तापमान के साथ पूरे वर्ष बेहद ठंडा होता है। कई पर्यटक तो ये थी छोटी सी प्रस्तुति मणिकरण गुरुद्वारा के ऊपर। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।